क्या हो गया आज हमारी घर को, ना तो खाना मिला है और ना ही बहू ने कपड़े धोले हैं। इन कपड़ों में तो मेरे को बड़ी शर्म आती है, अपने जीवन में इतने गंदे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। हाँ स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हैं, ना मालूम क्या बात है, बहू रानी ने आज खाना नहीं बनाया और स्वामी मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, भूख से तो जान जा रही है। बाबा जी, हाँ बेटिया, बाबी जी को बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए खाना पीना बनाने में थोड़ा लेट लेट भी जाता है। चलो बैठो, जब उसको समय मिलेगा तो खाना लेके आएगी। हाँ चलो बैठो। हाँ बड़ी बाबू जी, लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ कि आज आप लोग इतने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, क्या भाभी जी ने आप लोगों को कपड़े नहीं धुले हैं? नहीं बेटा, तेरी भाभी और कपड़े ना धुले ऐसा कैसे हो सकता है। जरा मैं खेतों की तरफ गया था नहीं, और खेतों की तरफ जाने के लिए जरा अच्छे कपड़े पहनना ठीक नहीं होता, इसीलिए मैंने इन कपड़ों को यूज कर लिया बेटा। वाह बाबू जी, बेटा ये तेरी माँ है नहीं, इसको दिखलाई नहीं देता है, और जब इसके विषय में सोचने लगता हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है कि काश अगर जरा सा इसकी आंखों में रोशनी होती तो कम से कम कुछ काम भी अपने हाथ से कर लिया करती। वाह बाबू जी वाह, आज एक सब छुपाने के लिए आपको अपने बेटे से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। आप मुझसे कुछ नहीं बतलाओगे, माँ आप ही बतलाएं कि बात क्या है, क्योंकि आज आप लोगों की आंखों में आंसू है। बाबू जी माँ को बोलने दीजिए। बाबू जी, आज तक मैं आपकी हर बात मानता रहा लेकिन आज आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। माँ आप भी झूठ बोल रही है, सबसे झूठ बोल सकती है माँ, लेकिन अपने खून से नहीं। तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है भैया, मुझे साफ साफ बताओ कि आप लोगों का रोने का कारण क्या है। बोलो माँ। बेटा तूने मुझे मजबूर कर दिया, कुछ सुन ये बच्चा मेरी बात सुन।
कितना रह के चक्कर में तुम मत आना। देख तू तो जानता है कितना लंबा परिवार है, बहु काम करने वाली अकेली है। अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? देखो कैसे आग लगा रही है। अरे बाबूजी, आप जरा सी लेट होने की बात कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए हैं और अभी मुझे वक्त नहीं मिला है आप लोगों को खाना देने के लिए। मैं इस बात की जानकारी करूंगा। अगर कोई आओ तो देना घर नदी पर वही होगा तब
सुधरेंगे सब लोग। दबा लेंगे तो बहुते क्या बात थी। अरे भाभी जी गुस्से में नजर आ रही है, अच्छी बात क्या है। भाभी जी आज मैं आपसे कुछ ही जानकारी करना चाहती हूँ। Let's go!
अब एक काम करो, ये जगह खेलो मेहरानू चिड़िया जाल, ऐसा चिड़िया जाल खेलो कि ये तीनों जने फुट फाट जाए, तीनों जने मिलकर तुमका मार। अरे तेरी है, खेल जाओ मेहरानू चिड़िया जाल।